आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और कभी भी बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। अब सोच लीजिए ना, कब की बात है, तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता। धन्यवाद देता हूं और ललन सर्राफ जी को विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं। और हो गया वर्षों वर्षों से, अब सोच लीजिए ना, कब की बात है, तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता, ये आप सब लोगों को मालूम है ना जी कि कौन कौन रिश्ता है। श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की बेटी से ही ब्याह किए हैं, ये सब जो है एक साथ थे। और सुधा श्रीवास्तव कौन, श्रद्धे जेपी की भगनी, तो इनका समझ लीजिए कि आप ही जान लीजिए भामा साहब, लेकिन इनका रिश्ता जेपी के परिवार से भी है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ पर मूर्तियां सब, तो पांचों का देखिए, तो इसी तरह से इनका जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पर जो ललन सर्राफ साहब हैं उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं, ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी क्या मतलब है, हमसे दोस्ती आज का है इनको, पौराणिक दोस्ती न है जी, बताइए। हमारा इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए, और तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना ऐसा नहीं, दीतन नम्मा रखे हुए है ना, तो सब छपता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, लेकिन हम लोग कहेंगे आप लोग इनको ललन बाबू कहा करिए, तो ललने बाबू है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको भी बधाई और आप सब लोगों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद।